सिंपल रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? स्क्रीन शेयर है? अच्छा यस मैम। ठीक है। देखो हम लोग AS 10 पढ़ रहे थे, ठीक है। हम जस्ट एक बार रिकॉल करवाते, क्योंकि AS ऐसा एक टॉपिक होता है, थोड़ा सा अगर याद ना करो तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। AS 10 हम लोग का किस बारे में था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में था। मतलब हमें PPE को कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए हमें गाइडलाइंस AS 10 प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि AS 10 के अकॉर्डिंग पीपी का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए, या फिर सप्लाई, सर्विस सप्लाई, क्योंकि बिजनेस दो ही तरह का हो सकता है, या तो हम लोग कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या तो हम लोग सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, या फिर अगर हम लोग अपना पीपी को किसी को रेंट पे देते हैं, उससे अर्निंग करते हैं, तो भी वो हमारे लिए पीपी है। और अगर हम लोग बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो भी हम लोग का पीपी है। और उसके साथ साथ एंड, ये तो सब और हो गया, या तो प्रोडक्शन, या तो सर्विस, या तो रेंटल इनकम, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? पीपीई का जो लाइफ है वो मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। 12 मंथ्स यानी जो अकाउंटिंग पीरियड होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने और एक चीज देखा था कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जैसे मैंने तुम लोग को दिखाया था फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब जो है ये पीपीई में आता है, अगर वो AS 2 के प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है तब। AS 10 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? वेस्टिंग एसेट पे। वेस्टिंग एसेट मतलब जो खदान वगैरह होता है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं जिसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेस्टिंग एसेट का गवर्नमेंट का अपना रूल्स होता है। बायोलॉजिकल एसेट पे AS 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। और बायोलॉजिकल एसेट का मतलब था लिविंग एनिमल और प्लांट, ठीक है। अच्छा अब लिविंग एनिमल पे तो होता नहीं है कंफर्म, बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट पे नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, प्लांट में, प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, बियरर और नॉट बियरर। बियरर प्लांट पे AS 10 एप्लीकेबल होता है, नॉट बियरर पे नहीं होता है। बियरर प्लांट कैसा था? बियरर प्लांट का मतलब बेसिकली वो सारे प्लांट जो कि हमें प्रोडक्शन देते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वन टाइम प्रोडक्शन के बाद उनका लाइफ खत्म हो गया, ठीक है। तो क्योंकि बियरर प्लांट पीपी के प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है, कैसे कि बियरर प्लांट का लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होता है। जैसे कि मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया था, कोकोनट ट्री हो सकता है, ठीक है। ये सब जो भी जिसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब वो सब पेड़ जो सालों साल जिंदा रह सकते हैं, व्हीट या मतलब क्रॉप्स के तरह नहीं, एनुअल क्रॉप्स के तरह नहीं, ठीक है। जो जैसे कि व्हीट, पैडी, ये सब एनुअल क्रॉप्स के तरह नहीं कि वो एक ही साल जो है प्रोडक्शन दिया फिर खत्म हो गया। और इसमें और एक प्रॉपर्टी भी था, इसको हम लोग जैसे मैंगो बेचेंगे, ऑब्वियसली मैंगो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको सेल करेंगे, ये पेड़ को नहीं सेल करना है, ट्री को नहीं सेल करना है। हाँ अगर ट्री जो है वो इंसिडेंटली स्क्रैप हो चुका है, मतलब यूज होते होते, क्योंकि इसका भी तो एक लाइफ है ना, ये थोड़ी ना कोई ऐसा है कि जो इसका कुछ भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये भी क्या है, ये भी मतलब कभी ना कभी तो इसका भी लाइफ खत्म होगा, तब अगर हम लोग इसको बेच देते हैं तो चलेगा, ठीक है। जैसे हम लोग अपना प्लांट, प्लांट भी थोड़ी ना ऐसा है कि एक बार प्लांट लगा लिया तो फिर कभी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। प्लांट भी चेंज करना पड़ता है जब वो पूरा पूरी खराब होने लगता है, ठीक है। वैसे तो इसीलिए बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट होने के बाद भी इस पे AS 10 एप्लीकेबल होता है, बिकॉज AS 10 के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है। और बियरर प्लांट क्या इंक्लूड नहीं करता है? बियरर प्लांट इंक्लूड नहीं करता है वो सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को जो एनुअल क्रॉप होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही बार प्रोडक्शन दिया फिर खत्म हो गया, उसको यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज करके लिखना चाहिए मैंने लिखवाया। फिर हम लोगों ने देखा कि पीपी को अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। दो कंडीशन है, अगर हम लोग इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू बिजनेस और एंटरप्राइज, सबसे पहला कंडीशन। हम लोग जो पीपीई यूज कर रहे हैं या फिर परचेस किया है या यूज करने वाले हैं, उससे जो हमें बेनिफिट मिलेगा उसका हमें अपने बिजनेस में वो सो, उसका कैश फ्लो सो होना चाहिए कि हाँ इससे हमारा इतने रुपए का बेनिफिट हो रहा है, ये हमें दिखना चाहिए, तभी हम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और रिकॉग्नाइज करने के लिए तो अमाउंट यानी रुपीस का जरूरत होगा, कितने में रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए हमें उनका रिलायबल कॉस्ट को मेजर करने आना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे करके, अब कॉस्ट का बात आ गया कि कॉस्ट को मेजर करना पड़ेगा, रिलायबल कॉस्ट को। तो रिलायबल कॉस्ट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? देखो गुड मॉर्निंग प्रिया,
गुड मॉर्निंग मैम. और यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखवाया था कि रिलायबली कैसे मेजर करेंगे. जैसे ही कॉस्ट का बात आया तो मैंने बोला कैसे करके मेजर करना है, हमें तीन तरह से मेजर करना होगा. परचेस पीपी, अगर हम लोग अपना पीपी खुद परचेस करते हैं तो कैसे होगा, अगर हम लोग पीपी जनरेट करते हैं तो कैसे होगा, और अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो कैसे होगा. जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ परचेस वाला ही पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम लोग कोई भी पीपी परचेस कर रहे हैं तो उसको यूज करने के पहले जितना भी कॉस्ट होगा वो सारा उसमें ऐड होगा. ठीक है, जिसका मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था. ये देखो परचेज जब करते हैं, मान लो हम लोग का कुछ डिस्काउंट रिबेट ये सब मिल रहा है, तो हमें जो भी रिबेट डिस्काउंट मिल रहा है वो परचेज प्राइस से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम लोग अपने पीपीई को लोड करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तक लेके जा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से हमारे लोकेशन तक आएगा, तो लोडिंग का खर्चा, फ्रेट, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस का खर्चा, लाइसेंस फीस, लीगल एक्सपेंसेस, ये सारे साइट प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा. कहीं पर भी जाके तो बड़ा बड़ा प्लांट नहीं लगवाते ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर साइट बनवाना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट. अब प्लांट लगवाने के बाद ट्रायल लेते हैं कि कैसा प्रोडक्शन दे रहा है, तो ट्रायल का मैंने नेट कॉस्ट बताया था. क्यों? क्योंकि ट्रायल करवाने का खर्चा होता है, और ट्रायल पीरियड में जो प्रोडक्शन होगा अगर वो मार्केट में बिक जाता है तो उससे जो हमारा रिकवरी होगा उसको लेस करने से हमें ट्रायल रन कॉस्ट का नेट पता चलेगा. फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट की, उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा, बोरिंग कॉस्ट जो है मैंने बोला था वो हम लोग बोरिंग कॉस्ट के ऊपर अलग से जो है एस बना हुआ है वहां पढ़ते हैं. लेकिन इतना पता कर लो कि अगर हम लोग का एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली बोरिंग कॉस्ट पे बताया गया है जो कि एस 16 होता है. तो अगर हम लोग का एसेट क्वालिफाइंग, ये देखो लिखा हुआ है इफ क्वालिफाइंग एसेट लिखवाया था मैंने, तो अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो उसका इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा. मतलब बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या, उधार लेने का खर्चा. उधार लेने का खर्चा क्या होता है, हम लोग आज बैंक से लोन लेंगे तो हमारा जो लोन लिया उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा उसका इंटरेस्ट. तो बोल रहा है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट है, कैसे पता चलेगा क्वालिफाइंग एसेट, एएस 10 में नहीं करना है, जिनका एएस 16 है उनको पता चलेगा. ठीक है, कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है, तो बोरोइंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो उस का इंटरेस्ट भी, बोरोइंग कॉस्ट का इंटरेस्ट, बोरोइंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट भी हमारे एसेट में ऐड होगा. फिर यहाँ पर और एक पॉइंट बोला था कि अगर हम लोग एसेट को डीकमिशनिंग करवाते हैं या डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगता है या डिमोलिशन का नेट, डिमोलिशन मैंने बताया था ऑलरेडी, एक मान लो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको तोड़ के फिर से हम लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो डिमोलिशन कॉस्ट. नेट क्यों, जो भी मान लो तुड़वाया, ठीक है, कोई जगह वहां पर जो भी मान लो ब्रिक्स यानी ईटा जो भी सीमेंट वगैरह निकला थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो उसको चाहो तो स्क्रैप पे बेच सकते हो मार्केट में अगर सेलेबल है. ठीक है, वो टूटा फूटा चीज अगर हम लोग बेच के कुछ हमें मिल जाता है तो मान लो एक जगह को तुड़वाने का तो एक खर्चा होगा, लेबर आएंगे उसको तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है, फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा बना के देंगे तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा. लेकिन तोड़ फोड़ में जो भी निकला, ठीक है, जो भी हमारा सीमेंट वगैरह जो भी निकला उसको ले जाके हम लोग अगर मार्केट में मान लो वो सेल हो जाता है स्क्रैप वगैरह में, तो हमारा वो कॉस्ट नेट हो जाएगा. ठीक है, फिर मैंने बोला था डिसमेंटलिंग, वो तो फिर से बोलते हैं क्या है. और यहाँ पर बताया था, ये देखो परचेस प्राइस एसेट में इंक्लूड होता है टैक्सेस वगैरह, लेकिन वही टैक्सेस वगैरह ऐड होगा जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर आगे जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा तो फिर उसे हमें ऐड नहीं करना है. ठीक है, सॉरी ऐड करना है. एनी डिस्काउंट और रिबेट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट पार्ट ऑफ परचेस प्राइस. अगर हम लोग कुछ परचेस करने गए, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट तो हमारे परचेस प्राइस का पार्ट नहीं होगा. जैसे मान लो तुम लोग एक ड्रेस खरीद रहे हो, ठीक है, 499 में, ठीक है, लेकिन उसपे मान लो डिस्काउंट है 99 रुपीज का, तो परचेस प्राइस 400 का हुआ. फिर यहाँ पर बोल रहा है एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है हमारे पीपीई पे और वो करना जरूरी होता है, नहीं तो मैनेजमेंट जैसा चाहता है वैसा पीपीई को यूज नहीं कर पाता है, वो सारे कॉस्ट हम लोग के परचेस प्राइस में ऐड होंगे. और एक मैंने बोला था डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट है कि मान लो हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम लोगों ने मान लो एक एसेट जो है, सॉरी एक रेंटेड प्लेस पे हम लोगों ने अपना फैक्ट्री लगाने का सोचा. ठीक है, रेंटेड प्लेस में फैक्ट्री लगाने का सोचा, तो वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए जो भी हम लोगों ने प्लांट मशीनरी लगवाने का सोचा वहां कुछ हमें चेंजेस करना है. ठीक है, तो हम लोगों का लैंडलॉर्ड या लैंड लेडी जो भी है उन्होंने बोला ठीक है आप चेंज कर लो, बिना चेंज किए तो आप अपना काम नहीं शुरू कर सकते हो, आपको जो भी चेंज चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है, जब आप इस
रेंटेड प्रीमाइसेस को छोड़ के जाने वाले हो, तब मेरा जैसा था मेरा लोकेशन वैसे ही बना के जाना है, तो उसका खर्चा होगा। मान लो 15 साल बाद छोड़ के जाना है, तो 15 साल बाद हमें पता चल रहा है कि कितना खर्चा होगा। अगर हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना खर्चा होगा, तो उस खर्चे को भी आज हमें ऐड करना है, ठीक है? तो अगर आज ऐड करेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे। इसीलिए लिखवाया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट और एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, या फिर इस तरीके का कोई होगा तो भी हमारे पीपी के कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है? तो ये लास्ट दिन वाला मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ जेनरेटेड पीपी, ठीक है? अगर हम लोग अपने पीपी को खुद से जेनरेट करते हैं तो उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे सेल्फ जेनरेटेड पीपी, सेल्फ जेनरेटेड पीपीई, ठीक है? सेल्फ जनरेटेड पीपीई का मतलब हम लोग अपना पीपीई परचेज नहीं करते, हम लोग अपना फिक्स्ड एसेट खुद ही बना लेते हैं, ठीक है? हम लोग अपना पीपीई परचेज नहीं कर करते हैं, हो सकता है कि हम लोग परचेज नहीं करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है? तब हम लोग कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर एक्चुअल पहले लिखो, फिर हम समझा देंगे। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड, और यहां एक नोट लिखना है इंटरनल प्रॉफिट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनल प्रॉफिट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब समझाते हैं ये क्या होता है। सेल्फ जनरेटेड पीपी का मतलब हम लोग अपना पीपी किसी से परचेज नहीं करते हैं, हमारा इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग खुद ही अपना पीपी ही बना लेते हैं, ठीक है? मान लो हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनाया है, ठीक है? मान लो हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनाया है, ये वाला बिल्डिंग, ठीक है? इतने फ्लोर का जो है बिल्डिंग हम लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिल्डिंग, ठीक है? ये बिल्डिंग बनाया हम लोगों ने। अच्छा, अब क्या हुआ है, देखो ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगा होगा। बिल्डिंग बनाने के लिए मान लो हमें ब्रिक्स का जरूरत हुआ होगा, यानी ईटा, ठीक है? और क्या जरूरत हुआ होगा, बालू यानी कि सैंड, ठीक है? और क्या जरूरत पड़ेगा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सीमेंट, ठीक है? सीमेंट का जरूरत पड़ा होगा। अच्छा, और क्या, रॉड, ठीक है? रॉड का जरूरत पड़ा होगा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी जरूरत पड़ता है, लेबर, ठीक है? ये सब तो रॉ मेटेरियल हो गया। अब जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो आएंगे, लेबर का जरूरत हुआ होगा। अब इसमें हम लोगों ने मान लो डोर लगवाया है, ठीक है? ये सब घर में हम लोगों ने डोर लगवाया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बैठाया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है? और कलर, कलर भी करवाया, ठीक है? कलर का भी खर्चा हुआ, ठीक है? कलर का भी खर्चा होगा, ठीक है? अच्छा, ये सब ऐड करने से हमें पता चलेगा कि इसका कॉस्ट कितना हो रहा है। अब देखो, ये हम लोग अपना बिल्डिंग खुद ही बनाते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो खुद का बिल्डिंग रहता है उसमें बिजनेस करते हैं, या किसी से बिल्डिंग रेंट पे ले लेते हैं। ये अपना बिल्डिंग खुद ही बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये अपना बिल्डिंग बना सकते हैं जिसमें इनका ये मेटेरियल वगैरह का खर्चा हुआ, ये सब खर्चा हुआ। अब ये सब ऐड करने से इन्हें पता चलेगा कि इनका कितना जो है बिल्डिंग बनाने का खर्चा हुआ है, ठीक है? अब इसमें पॉइंट देखो क्या है, देखो यहां पर पॉइंट क्या है कि अब मान लो ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बना रहा है, इनका बिल्डिंग में जो ये मतलब क्या बोले, इनके बिल्डिंग में क्या एग्जाम्पल है, जैसे मान लो इनके बिल्डिंग में जो ये कलर किया गया है, ठीक है? ये कलर किया गया है, ये खुद ही जो है कलर प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है? या फिर छोड़ो, कलर प्रोडक्शन छोड़ो, मान लो इनका फर्नीचर का भी बिजनेस है, ठीक है? फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, ये खुद भी फर्नीचर जो है प्रोडक्शन करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है? मतलब कारपेंटर है बेसिकली, ये लोग कारपेंटर वाला काम भी करते हैं, ये बिल्डिंग भी बनाया, कारपेंटर वाला काम भी करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर देखो
क्या हो रहा है, कारपेंटर वाला काम करते हैं, तो यहाँ पर जितने सारे जो है फर्नीचर लगे हैं ना, मतलब इन्होंने जो डोर लगवाया है, ठीक है, यहाँ पर इस बिल्डिंग में हर एक फ्लैट में जितने सारे डोर लगे हैं, ठीक है, वो डोर लगाने का खर्चा इन्होंने बाहर से कोई लेबर मंगवाया नहीं, क्योंकि इनके बिजनेस में ये डोर लगाने का काम है ही, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ भी डोर लगवा दिया, ठीक है, यहाँ भी डोर लगवा दिया। अब ये डोर लगाने का खर्चा कितना हो रहा है, जैसे मान लो ये लोग बाहर में किसी लोगों का डोर लगाते हैं, तो एक डोर लगवाने का मान लो लेते हैं यहाँ पर 700 रुपए, ठीक है, 700 पर डोर, मान लो एक डोर लगवाने का 700 रुपए लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस बता रहे हैं। लेकिन इनका कॉस्ट आ जाता है, मतलब इस डोर को लगवाने का कॉस्ट, अब बाहर वाले का जब डोर लगवाते हैं तो वो तो प्रॉफिट लगा के बेचते होंगे, मान लो कॉस्ट आ जाता है 500 रुपए पर डोर, ठीक है, एक डोर लगवाने का एक्चुअली कॉस्ट होता है 500 रुपए, लेकिन ये प्रॉफिट लगा के डोर लगाने का काम करते हैं 700 पर डोर पे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये अपना बिल्डिंग का कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये देखो ये बाहर से ब्रिक्स खरीदते हैं, तो ब्रिक्स जितने में खरीदा उतना लिख देंगे, सैंड जितने में आए उतना लिख देंगे, सीमेंट जितने में आए उतना लिख देंगे, लेबर चार्ज जो लगा वो लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी जो लगा वो लिख देंगे, कलर का भी जो लगा वो लिख देंगे, लेकिन डोर का खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डोर का खर्चा क्या, ये मान लो यहाँ पर टोटल डोर लगा है, मान लो हर एक फ्लोर में जो है डोर लग रहा है कितना सारा, सपोज मान लो पांच पांच करके लग रहा है, ठीक है, 5 डोर, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर्स है, ठीक है, 5 फ्लोर में 5 डोर लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 25 डोर इनको लगवाना है पूरे इस बिल्डिंग में, 25 डोर लगेगा। अब 25 डोर का कॉस्ट कितना आ रहा है, 25 डोर का कॉस्ट आ रहा है 500 करके, कितना हो जाएगा देखते हैं, 25 × 500, ठीक है, तो ये कॉस्ट आ रहा है 12,500, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल तो 700 में करते हैं, तो 700 करके भी एक बार देख लो कितना हो रहा है, 700 × 25, तो इनका आ रहा है 17,500। अब क्वेश्चन ये है कि इनको कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में अगर 25 डोर लगवाते, ठीक है, तो इनको 17,500 रुपीज मिलता। अब ये अपने ही बिल्डिंग में डोर लगवा रहे हैं, ठीक है, अपने ही बिजनेस में जो है अपने ही बिजनेस का यूज कर रहे हैं, तो 12,500 का इनका कॉस्ट आ रहा है, तो इनको रिकॉर्ड ये वाला करना है, 12,500 से रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये डोर का कॉस्ट, ठीक है, इससे रिकॉर्ड करना नहीं है, इससे रिकॉर्ड करना नहीं है। क्यों नहीं रिकॉर्ड करना है, अगर AS1 को याद करोगे तो मैंने वहां पर एक चीज बोला था, प्रूडेंस नेचर में क्या होता है, प्रूडेंस नेचर हमें बोलता है कि हम लोग प्रॉफिट को, फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर लॉस को कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमें प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, अगर हम लोग अपना डोर बनाने का कॉस्ट 500 है, तो उसको अगर हम लोग 700 में रिकॉर्ड करेंगे, तो पर डोर पे जो 200 का प्रॉफिट है, यहाँ पर हम लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है इंटरनल प्रॉफिट कांट बी रिकॉग्नाइज, ये तो इंटरनल प्रॉफिट हो गया। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि तुम लोग का ग्रोसरी शॉप है या मेरा भी, मान लो हम सबका ही ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज ग्रोसरी में मान लो एक बिस्किट आता है 10 रुपए का, बेच देते हैं हम लोग, ठीक है, एक 10 रुपए वाला बिस्किट, मतलब लोग कस्टमर को 10 रुपए का बेचते हैं, लेकिन हम लोग जब परचेस करके लाते हैं सप्लायर से, तो हमें 9 रुपए का पड़ता है, तो जब हम लोग बिस्किट खुद खा रहे हैं तो बोलेंगे 10 रुपए का बिस्किट खाया या 9 रुपए का, 9 रुपए का, क्योंकि हम लोगों ने सप्लायर से 9 रुपए का बिस्किट खरीदा था, ठीक है, और जब हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो वो 10 रुपए का बेचते हैं, मतलब 1 रुपए प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब अगर भूख लग गया काम करते करते, ठीक के दुकान में, तो हम लोगों ने खुद ही अपने बिस्किट्स को निकाला और जो है एक बिस्किट खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो हम लोग पूरा बिस्किट पैकेट खाने के बाद बोलेंगे कितने रुपए का बिस्किट खाए, ऑब्वियसली 9 रुपए का खाए, 10 रुपए का नहीं, क्योंकि हमें तो वो 10 रुपए का नहीं पड़ा ना, 9 रुपए का ही पड़ा। सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस में ही अपना ही कुछ, मतलब जो प्रोडक्शन का काम में अपनी ही चीजों को यूज कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट लगाओ, उसके सेल प्राइस को मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि हम लोगों ने 10 रुपए का बिस्किट खाया, 1 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां से किया, क्या खुद को खुद पे करेंगे, ये पॉसिबल है नहीं, तो अगर हमारे ही बिजनेस का कुछ चीज है तो हमारा जो कॉस्ट है उसी में लगाना चाहिए, सेलिंग प्राइस में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम लोगों का जो है कपड़े का दुकान है, ठीक है, अब मान लो एक जो है
सपोज एक टीज आता है 500 का, ठीक है, सेल करते हो सेलिंग प्राइस, लेकिन उसको परचेज करते हो कितने में, 400 में, और 100 रुपए प्रॉफिट लगा के बेच देते हो, तो एक टीज खुद से लेके पहनने के लिए लेके चले गए, तो 400 का टीज ही बोलोगे ना, 500 का थोड़ी ना हमें पड़ रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि आप अपने दूसरे बिजनेस में फर्नीचर का काम करते हो, देखो आप अपने बिजनेस में फर्नीचर का काम करते हो, ठीक है, आप फर्नीचर सेल करते हो 700 पर डोर करके, लेकिन उसको बनाने का कॉस्ट 500 आता है, तो अगर हम लोग अपने बिल्डिंग का कॉस्ट निकालेंगे, जिसमें हम लोगों ने डोर भी लगवाया है, बाहर से लोगों को नहीं बुलवाया, हमारा ही काम है, हमने ही लगवा लिया, तो फिर उसको रिकॉर्ड हमें इतने में करना है अगर 25 डोर लगवाना है। और इसका रीजन ये भी है, इंटरनल प्रॉफिट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जैसे मैंने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया कि हम लोग 10 रुपए का बिस्किट थोड़ी ना बोलेंगे, बोलेंगे 9 रुपए का खाया है, 1 रुपए हम लोग खुद से खुद प्रॉफिट थोड़ी ना अर्न कर सकते हैं, इंटरनल प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है, किसी और को बेचते हैं तो एक्सटर्नल प्रॉफिट, इंटरनल प्रॉफिट हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल्फ जेनरेटेड, जो यहाँ पर पीपी का बात हुआ, इसमें वही हमें पढ़ना है कि सेल्फ जेनरेटेड पीपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर रहे इस बिल्डिंग का, इसमें जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ठीक है, वो हमें लेना है, लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड जो हुआ है उसमें अगर बाई चांस किसी तरीके का हम लोग का क्या हुआ है, इंटरनल प्रॉफिट अगर हमारा रिकॉग्नाइज करने का सिचुएशन आ जा रहा है, तो वो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे मान लो, हो सकता है कि इनका सीमेंट फैक्ट्री है, तो इस बिल्डिंग को बनाने में जितना भी सीमेंट लगा वो उन्होंने खुद ही अपने फैक्ट्री से दे दिया। अब मान लो सीमेंट का बोरा मार्केट में बिकता है 300 रुपए 50 kg का एक बोरा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये मान लो पूरा बोरा है, ठीक है, इसमें ये 50 kg सीमेंट रहता है, जिसका प्राइस है मान लो 350 रुपए। अब ऐसे 50 kg का मान लो इन्होंने 100 अभी तक जो है 100 बोरा यूज कर लिया है, तो 5000 किलो, अब 350 करके है, तो यहाँ पर 350 करके रेट लगाएंगे, लेकिन ये तो सेल प्राइस है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सीमेंट प्रोडक्शन के इनका कॉस्ट कितना होता है, तो वो कॉस्ट को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हमारा सेल्फ जनरेटेड पीपीई है तो हम लोग को एक्चुअल कॉस्ट इनकट लेना पड़ेगा, किसी तरीके का हम लोग सेलिंग प्राइस वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर बोला है एलोकेटेड ओवरहेड। एलोकेटेड ओवरहेड क्या होगा, अब मान लो यहां पर जो है फर्नीचर वगैरह बनता है, अब यहाँ पर एक जो है डिलीवरी वैन भी यूज होता है, ये लोग जो फर्नीचर बनाते हैं ना वो डिलीवरी वैन के थ्रू से जो है कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिलीवरी वैन का जो डेप्रिशिएशन है वो मान लो हो गया है ईयरली 10,000 रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का डेप्रिशिएशन हुआ है ईयरली। अब यहाँ पर इन्होंने जिस साल ये बिल्डिंग भी बनाना स्टार्ट किया तो डिलीवरी वैन यूज हुआ है फर्नीचर बिजनेस में मान लो 40%, और इन्होंने इस डिलीवरी वैन को ना ये बिल्डिंग के काम पे भी थोड़ा बहुत यूज कर लिया और उसके वजह से 60% यहाँ पर यूज हुआ, तो ये जो 10,000 का डिप्रिशिएशन का खर्चा है ये 4:6 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। भले ये फर्नीचर बिजनेस के लिए रखा गया था लेकिन इसका यूज बिल्डिंग में भी हुआ, मतलब वही बोला है देखो ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा जो है, ठीक है, ओवरहेड के खर्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कहाँ कितना यूज हो रहा है, अगर ये यहाँ 40 यहाँ 60 यूज हो रहा है तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओवरहेड का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में नहीं देख पाते हैं, मतलब वन यूनिट फिनिश गुड्स में नहीं देख पाते, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने फर्नीचर का ही एग्जांपल दिया, फर्नीचर बनाने में एक एक मान लो चेयर बनता है या फिर डोर बनता है, एक डोर बनाने में कितने रुपए का लकड़ी लगेगा हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल आसानी से, ठीक है, एक लेबर उस डोर को बनाने का कितना
मतलब लेबर चार्ज लेगा वो भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उस डोर को बनाते हुए वहां पर कितना ग्लू का यूज हुआ है, क्योंकि फर्नीचर के काम में ग्लू का भी यूज होता है, ठीक है, या फिर कितने वहां पर जो है छोटे छोटे नट्स वगैरह लगे हैं वो हम लोग नहीं बता सकते कि एक एक डोर पे कितना खर्चा हुआ है। या फिर मान लो जब फर्नीचर का काम चल रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चारों तरफ जो है लाइट्स वगैरह भी यूज हो रहा था, तो हम लोग ये आसानी से नहीं बोल सकते हैं कि वो लाइट्स वगैरह का जो खर्चा है वो एक-एक डोर पे कितना आया, ये हम लोग आसानी से नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग नेट पैक का यूज करके क्लास करते हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं बोल सकते हो उतने आसानी से एक क्लास के पीछे तुम लोग का नेट का खर्चा कितना होता है, ये नहीं बोल सकते हो। पेन यूज करते हो, क्या बोल पाओगे हर एक क्लास के पीछे कितने पेन, अगर इंडिविजुअली पेन यूज करते हो बात अलग है, ठीक है, वो नहीं बोल पाओगे। लेकिन हाँ, तुम लोग जिस कॉपी में लिखते हो वो देख के, मान लो अकाउंट्स का 3 कॉपी हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट का मान लो 2 कॉपी हुआ है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि 3 कॉपी का कॉस्ट ऐड कर लो कि 2 कॉपी का, आराम से बता सकते हो कि अकाउंट्स क्लास के लिए कितने रुपए का कॉपी यूज हुआ और जो है टैक्स क्लास के लिए या कॉस्ट क्लास के लिए, लेकिन तुम लोग ये नहीं बता सकते हो कि कौन से क्लास के लिए कितने रुपए का इंक यूज किए हो, पेन का जो खर्चा हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना पर यूनिट फिनिश गुड्स पे हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। ये देखो वैन, ये डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का खर्चा हम लोग ये नहीं बता सकते एक डोर पे कितना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं एलोकेट करते हैं जो भी वो ओवरहेड का पार्ट है। तो यहाँ पर यही समझना है कि अगर कोई खर्चा हमारा प्रोपोर्शनेट हो रहा है, मतलब कुछ जो है कंस्ट्रक्शन जो पीपी बना रहे उस पे लग रहा है, कुछ अलग जगह पे लग रहा है, तो हम लोग उसे एलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जहां पर जितना हुआ है, 40-60 है तो 40-60, 60-40 है तो उतना, 50-50% है तो उतना, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये हम लोग का सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी हो गया, जो कि हम लोगों ने लास्ट दिन ये वाला पॉइंट देखा था। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ पीपी एक्वर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ पीपीई एक्वर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग के पीपी को हम लोग कैसे अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करें। पीपी को तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर उससे मिला हुआ इकोनॉमिक बेनिफिट एज अ कैश फ्लो हम लोग अपने बिजनेस में देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसके उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले तो रिकॉर्ड करने का कंडीशन, फिर रिकॉर्ड करेंगे तो उसका रुपीस कितना होगा, तो हमें उसका कॉस्ट पता करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने पीपी परचेस किया है तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हम लोगों ने पीपी खुद बनाया है तो कैसे उसका कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो अभी देखा। अब अगर हम लोगों ने पीपी एक्सचेंज में लिया है, मतलब एक पीपीई दे के दूसरे पीपी को लिया है, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने अपना कार बेच के एक दूसरा, किसी ने मान लो अपना कार बेच के कुछ और एसेट लिया है, ठीक है, तो कैसे करके होगा, ठीक है। किसी ने मान लो अपना मशीन बेच के एक कार लिया है, मशीन बेच दिया बदले में कार लिया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैसे करके ऐसे पीपी का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें जो कि एक्सचेंज में लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर लिखो कैसे रिकॉर्ड होगा, तो A10 हमें बोल रहा है रिकॉर्डेड एट 1 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवेन अप, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवेन अप, और नेक्स्ट लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वर्ड, बता रहे क्या होता है, लिखो नोट कंसीडर्ड फेयर वैल्यू Which ever is more reliable, ठीक है। मतलब देखो मैंने क्या बोला, सपोज हम लोगों ने अपना एक फर्नीचर बेच के, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर के बदले, फर्नीचर एंड फिक्सचर के बदले एक कार लिया है, ठीक है, एक कार लिया है, तो ये है एसेट गिवन, मतलब दे दिया, ये है एसेट टेकन, ठीक है।
एक फर्नीचर के बदले, या फिर फर्नीचर नहीं, इसको थोड़ा ऐसे लिखने से ठीक रहेगा, प्लांट मशीनरी लिखो, एक ही बात है, मतलब कार और फर्नीचर का थोड़ा मैचअप नहीं हो रहा है। प्लांट मशीनरी था उसके बदले हम लोगों ने ट्रक ले लिया, ऐसे करो, प्लांट मशीनरी दिया उसके बदले हम लोगों ने ट्रक लिया, ठीक है, हम लोगों ने पैसा दे के ट्रक नहीं लिया, बिजनेस में एक प्लांट मशीनरी था उसको बेच दिया, मतलब क्या, वो दे दिया उसके बदले ट्रक ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है एसेट गिवन अप, तो एग्जांपल में एसेट गिवन अप प्लांट मशीनरी, एसेट एक्वायर्ड कौन है, ट्रक है, तो हमें देखना पड़ेगा उसका फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू कितना है दोनों चीज का, और जो फेयर वैल्यू हम लोग ज्यादा रिलायबली मेजर कर पाएंगे, रिलायबल मतलब जो ज्यादा ट्रस्ट करने लायक होगा, उसी में हमें अपने एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो प्लांट मशीनरी का कॉस्ट और ये दो कॉस्ट है, ये मतलब फेयर वैल्यू यानी मार्केट में इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि देखो हम लोग तो कुछ पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हैं, एक चीज के बदले दूसरा चीज ले रहे हैं, लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसे रुपीज में जो है दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे, बोल रहा है कि इसका भी एक फेयर वैल्यू होगा, इसका भी एक फेयर वैल्यू होगा, लेकिन कौन सा फेयर वैल्यू ज्यादा जो है ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा रिलायबल है, उसी में हमें अपने एसेट को रिकॉर्ड करना है। मान लो हमें ट्रक का वैल्यू ज्यादा रिलायबल लग रहा है, तो हम लोग अपने प्लांट मशीनरी को अपने बुक्स में इस ट्रक के वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो हमें पता करना पड़ता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, मतलब जो एसेट दे रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, दोनों में से जो ज्यादा रिलायबल है उसी में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है, लिखते हैं, अच्छा यहां पर लिखेंगे कंडीशन, द एबव क्राइटेरिया, द एबव क्राइटेरिया इज फॉलोड ओनली इफ द ट्रांजैक्शन हैज ए कॉमर्शियल सब्सटेंस। अब ये क्या है बताते हैं, पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग एक एसेट के बदले दूसरा एसेट ले सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज में, तब हमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बोल रहा है कि दोनों का फेयर वैल्यू देखो, जो फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है उस पे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन ये क्राइटेरिया हम लोग तभी फॉलो कर सकते हैं अगर ट्रांजैक्शन मतलब जो एसेट टेकन और गिवन हो रहा है उसका एक कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। तो अब ये कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या है उसको समझने के लिए लिखवाते हैं कि कॉमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है। देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस का यहां पर लिखेंगे, इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, और द फेयर वैल्यू, हम एफ वी लिख रहे हैं, फेयर वैल्यू कांट बी रिलायबली मेजर्ड, देन द कॉस्ट शुड बी then the cost should be measured at the carrying amount of the asset given up, carrying amount of asset given up, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और एक पॉइंट भी एक ही साथ लिखवा दिया, पहले तो हम लोगों ने बोला कि कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या होगा, बोल रहे हैं ना तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है, अभी तक मैंने कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं बताया, बताते हैं, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या फिर फेयर वैल्यू भी हम लोग रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, देन द कॉस्ट शुड बी मेजर्ड, तब हम लोग एसेट को कैसे मतलब पीपी को कौन से कॉस्ट में रिकॉर्ड करें, तो बोल रहे हैं कॉस्ट शुड बी मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, तब जो एसेट हम लोग गिव अप कर रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब
बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट के वैल्यू पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना हम एक समरी लिखवा देते हैं तो आसानी से याद रहेगा। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग एक्सचेंज वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग एक एसेट के बदले दूसरे एसेट को ले रहे हैं तो हमें एसेट का कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का मान लो हम लोग मशीन जो है और ट्रक इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, मशीन और ट्रक में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये भी मेरा पीपी है, ये भी मेरा पीपी है, ठीक है। अच्छा, अगर मशीन का मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, गिवन, और ट्रक क्या कर रहे हैं, एक्वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शंस का कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं। हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज कि कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग चेक करेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ मशीन क्या है, ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ ट्रक क्या, ठीक है। फिर जो रिलायबली मेजर कर पाएंगे, फिर ये दोनों को ऐसे करके लिखो, विच इज मोर रिलायबली मेजर, विच इज मोर रिलायबली मेजर, रिलायबली मेजर्ड, विच इज मोर रिलायबल, रिलायबली मेजर्ड इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। ये पूरा जो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखवाया था उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखवा दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि हम लोग अगर मशीन दे रहे हैं बदले में ट्रक ले रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो अगर ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, ट्रांजेक्शन में अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग चेक करेंगे कि मशीन का फेयर वैल्यू क्या है और ट्रक का फेयर वैल्यू क्या है। और अगर हम लोग मेजर कर पा रहे, जिसका रिलायबली मेजर होगा वही हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा, ठीक है, वही हम लोग का कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा। और एक पॉइंट, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो कैसे होगा, तो वो भी लिखवाते हैं। देखो ये हम लोग का ये वाला पॉइंट हो गया, ये देखिए। अच्छा, नीचे जगह था, मैंने इतने छोटे छोटे लिख दिया, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते, मुझे लगा नीचे जाने जगह ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे विच इज मोर reliably measured is the cost of asset, cost of asset taken, ठीक है। हमें कौन से एसेट का अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जो हम लोग ले रहे हैं ट्रक को, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो हमें देखना पड़ेगा कि मशीन का फेयर वैल्यू क्या है, जो हम लोग गिव अप कर रहे हैं, जो एसेट जो ले रहे हैं उसका भी फेयर वैल्यू देखेंगे। अब हम लोग रिलायबली जो मेजर कर पा रहे हैं वही हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगा, मतलब ट्रक का कॉस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। अब और एक सिचुएशन भी होता है, अगर हमारे ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फेयर वैल्यू कैसे, फेयर वैल्यू नहीं पता चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखो हम लोग कर रहे हैं एक्सचेंज, मान लो मशीन जो कि हम लोग का पीपी है, ये हम लोग गिवन कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मशीन और ट्रक लिख रहे हैं, और यहाँ पर मान लो हम लोग ट्रक जो है ये एक्वर कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग का पीपी है। अच्छा, अब अगर हम लोग का इस ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, नो कॉमर्शियल सब्सटेंस, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ, और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट
गिवन अप, ठीक है, जो एसेट हम लोग गिव अप कर रहे हैं उसका बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में जो दिख रहा है, ठीक है. अब बात रहा कि ये कॉमर्शियल सब्सटेंस होता क्या है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया. यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग का एसेट एक्सचेंज वाला एसेट है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग एसेट गिवन और टेकन का फेयर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है. फिर जो फेयर वैल्यू मोर रिलायबल होगा उसी में हम लोग जो एसेट ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर देंगे. लेकिन अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं दिख रहा है, बाई चांस अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो हम लोग जो एसेट गिव अप कर रहे हैं उसका बुक वैल्यू या अमाउंट यानी कि बैलेंस शीट में जिसमें मतलब कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखने वाला अमाउंट, उस अमाउंट पे हमें अपने एसेट टेकन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है वो यहां पर लिखते हैं. कॉमर्शियल सब्सटेंस मींस cash flow of asset taken and cash flow of asset given in respect of time risk amount if risk time amount of cash flow is significantly different then commercial substance एग्जिस्ट, ठीक है. अब देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है. कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो एसेट हम लोग ले रहे हैं यानी कि ट्रक, और जो एसेट हम लोग दे रहे हैं यानी कि मशीन, इसका जो कैश फ्लो है मतलब इससे जो हमारा अर्निंग हो रहा है, जैसे मशीन से हो रहा था और ट्रक से होगा, ठीक है, इसका जो कैश फ्लो है उसका यहाँ पर क्या बोला है. देखो कॉमर्शियल सब्सटेंस मीन्स कैश फ्लो ऑफ एसेट टेकन एंड कैश फ्लो ऑफ एसेट गिवन, और इसको हमें किस रेस्पेक्ट पे आइडेंटिफाई करना है कैश फ्लो को, एसेट से कैश फ्लो का टाइमिंग्स कैसे आ रहा है, उसका कितना रिस्क है, रिस्क और कितने अमाउंट का आ रहा है. मतलब हम लोग जब अपना कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो उसको क्यों करते हैं, ताकि हमें उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, और वो इकोनॉमिक बेनिफिट ऐसे कैश फ्लो हमारी बिजनेस में हमें दिखना चाहिए, तभी तो हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. वो तो हमारा पहला पॉइंट था ही, जब मैंने बताया कि एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है. ये देखो जब हम लोगों ने ये तो लास्ट दिन पढ़ा था ना कि हम लोग एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. इट इज प्रोबेबल द इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू बिजनेस और एंटरप्राइज. तो कैसे फ्लो करेगा, एज अ कैश. तो बोल रहा है कि कैश फ्लो ऑफ एसेट टेकन एंड कैश फ्लो ऑफ एसेट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब कब कैसे करके कैश फ्लो आ रहा है, कितना रिस्क है उस पे और कितने अमाउंट पे आ रहा है, ठीक है, उस पे हमें मेजर करना पड़ता है. तब उस पे जब हम लोग इस पैरामीटर पे कैश फ्लो को मेजर करते हैं उसे बोला जाता है कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है. कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब हो गया जब एसेट से मिलने वाले रिस्क, कैश फ्लो का रिस्क, टाइम और अमाउंट को हम लोग मेजर करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल सब्सटेंस. तो यहाँ पर बोल रहा है इफ रिस्क टाइम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट. सिग्निफिकेंटली डिफरेंट का मतलब हो गया कि हम लोग जो एसेट गिवन अप कर रहे हैं और जो एसेट ले रहे हैं दोनों का जो रिस्क अमाउंट और टाइम जो है कैश फ्लो का वो अगर अलग है तो बोलेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है. नो कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब हो गया कि रिस्क अमाउंट और
ऐसे लिखो, रिस्क अमाउंट और टाइम ऑफ कैश फ्लो नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है तो नो कॉमर्शियल सब्सटेंस. यहां पर बोला है ना सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होने से कॉमर्शियल सब्सटेंस, मतलब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग रिस्क अमाउंट टाइम ऑफ कैश फ्लो नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, दोनों का दोनों से जो हमारा कैश फ्लो हो रहा था इन टर्म्स ऑफ रिस्क अमाउंट और टाइम दोनों एक ही जैसा है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा मतलब ट्रांजेक्शन इज कॉमर्शियल सब्सटेंस, यानी कि कैश फ्लो ऑफ रिस्क, यहां पर लिखते हैं कैश फ्लो ऑफ रिस्क अमाउंट टाइमिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. सिग्निफिकेंटली अगर डिफरेंट हुआ तो ही हम लोग बोलेंगे कि कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस. अगर नहीं कर रहा है तो ट्रांजैक्शन हैज नॉट कॉमर्शियल सब्सटेंस. ठीक है, मतलब मैंने देखो ये थ्योरी तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है, ये मतलब मैंने पूरे लैंग्वेज में लिखवा दिया, बाकी चार्ट को देखोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा. थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख सकते हो, मेरा लिखने का तरीका मुझे लग रहा है थोड़ा सा और भी तुम लोग बेटर इसको प्रेजेंट कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए, मतलब समरी हो गया. ठीक है, कि अगर हम लोग दो एसिड को एक्सचेंज कर रहे हैं और उसमें हमारा कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एसेट से मिलने वाला कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ रिस्क अमाउंट और टाइमिंग्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है. फिर हम लोग चेक करेंगे दोनों एसेट यानी गिवन टेकन एसेट का फेयर वैल्यू, और जो ज्यादा रिलायबल होगा वही हमारे एसेट टेकन का कॉस्ट होगा. और अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होता है मतलब कैश फ्लो का टाइमिंग्स या फिर अमाउंट और या रिस्क जो है वो एक ही जैसा है मतलब नॉट डिफरेंट है तो कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें बुक वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन, जो एसेट हम लोग गिवन अप कर रहे हैं उसके बुक वैल्यू पे हमें अपने एसेट जो टेकन कर रहे हैं जो ले रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तीन मेथड हम लोगों ने सीखा. देखो कैसे करके हम लोग अपने एसेट का कॉस्ट निकाल सकते हैं. अब जैसे ही हम लोग ये दो कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो हमें पहला कंडीशन देखना पड़ेगा कि जो एसेट हम लोगों ने लिया है उसका जो कैश फ्लो है वो हमारे बिजनेस में या एंटरप्राइज में दिख रहा है कि नहीं. ठीक है, फिर हम लोग कॉस्ट को मेजर करेंगे. अब कॉस्ट को मेजर करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम लोगों ने पीपीई परचेस किया या हम लोगों ने पीपीई खुद से जनरेट किया या हम लोगों ने पीपीई एक्सचेंज में लिया. अगर परचेस किया तो इस तरीके से कॉस्ट निकालो, अगर सेल्फ जनरेटेड किया है तो ये प्रोसेस में कॉस्ट निकलेगा. ठीक है, सेल्फ जनरेटेड किया है तो इस प्रोसेस में, और अगर एक्सचेंज किया है तो हमारे ये दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस में जाएगा, डिपेंड करेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस एक्सचेंज में है या नहीं है. ठीक है, इस तरीके से होगा. तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ कि कैसे करके कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे. अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग. अच्छा, कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग का पहले मतलब लिख लेते हैं फिर समझाते हैं. कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग में लिखेंगे इफ एन एसेट कॉम्प्राइजेस ऑफ टू और मोर सिग्निफिकेंट components with substantially different useful lives usage or flow of economic benefit then each component
should be recognized. And depreciated separately over its individual useful life. ठीक है, समझाते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. जैसे देखो, अगर मान लो हम लोगों ने एक एरोप्लेन परचेस किया है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक एरोप्लेन परचेस किया, ये मान लो ठीक है, ये सामने का जो चक्का लगा हुआ रहता है ना वो, ठीक है, ये हम लोगों ने एक एरोप्लेन परचेस किया है. ये एरोप्लेन का जो है बहुत मेजर मेजर कंपोनेंट होता है. देखो नॉर्मली हम लोग एरोप्लेन परचेस करने से क्या एंट्री लिखते थे, एरोप्लेन अकाउंट डेबिट. अगर हम लोग अपना पीपीई परचेस कर रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अगर कोई एरोप्लेन परचेस करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एरोप्लेन परचेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, एरोप्लेन अकाउंट डेबिट. जैसे हम लोगों ने सीखा है कि फिक्स्ड एसेट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, पीपी को डेबिट करेंगे, तो हमें एरोप्लेन को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो एरोप्लेन अकाउंट डेबिट ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग लगता है एरोप्लेन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने परचेस किया है फिक्स्ड एसेट का जैसे रूल्स होता है. लेकिन अभी हम लोग को AS 10 क्या बोल रहा है, नहीं, ये हम लोग बचपन में करते थे, अभी ऐसा मत करो. क्यों? क्योंकि बोल रहे अगर कोई एसेट परचेस किया जा रहा है जिसका कंपोनेंट काफी सिग्निफिकेंट है. कंपोनेंट का मतलब है ये एरोप्लेन जैसे बना हुआ है, क्योंकि एरोप्लेन काफी महंगा आता है, ये कोई सस्ता चीज नहीं है, ठीक है, तो एरोप्लेन का जो वैल्यूएबल पार्ट्स होता है वो क्या क्या होता है, एक होता है इंजिन, ठीक है, सबसे वैल्यूएबल पार्ट्स, ठीक है, सेकेंड होता है मान लो इसका इंटीरियर्स, मतलब इसके अंदर जो भी रहता है इंटीरियर्स उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर्स. थर्ड यहाँ पर विंग्स, ठीक है, ये जो विंग्स विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है. फोर्थ हो गया टायर्स, ठीक है, टायर्स. तो ये सब जो है काफी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, एक भी कंपोनेंट कुछ हुआ तो फिर एसिड गया, ठीक है, मतलब ये सबको अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, एक ही चीज, मतलब सिर्फ एरोप्लेन मेंटेन का मतलब एरोप्लेन नहीं है, इंजिन इंटीरियर सभी काफी महंगा महंगा है. और क्या है कि मान लो कि इंजिन का लाइफ है 3 ईयर, ठीक है, इंटीरियर जो इस पे लगा हुआ है उसका लाइफ है 5 ईयर इसके अंदर, और जो टायर है, ठीक है, जो टायर ये वाला, ये जो टायर देख रहे हो जिसपे रुकता है, ठीक है, ये जो टायर है इसका लाइफ है मान लो 1 ईयर, ठीक है, और जो विंग्स है उसका लाइफ है मान लो 2 ईयर, ठीक है. अब ये एरोप्लेन को हम लोगों ने इसका जो कॉम्पोनेंट था उसको अलग अलग डिवाइड कर लिया कि भाई इंजिन है, इसमें इंटीरियर है, विंग्स है और टायर्स है, और सबका अलग अलग लाइफ है, तो हमें अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मतलब जब भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, इंजिन अकाउंट डेबिट ऐसे करना पड़ेगा, इंजिन अकाउंट डेबिट टू जितना इसका खर्चा आया, टू कैश या बैंक, ठीक है. फिर हमें करना पड़ेगा इंटीरियर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, विंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टायर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. हमें सबको सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका लाइफ अलग अलग है, ठीक है, सबका सिग्निफिकेंट लाइफ अलग अलग है. अब देखो क्या बोल रहा है, इफ एन एसेट कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट, मतलब ऐसा कोई एसेट है जिसके अंदर हर एक कॉम्पोनेंट का एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग जस्ट एरोप्लेन का खर्चा नहीं बोल सकते हैं, ये मतलब काफी वाइटल है, इसका इंजन, इसका इंटीरियर, इसका विंग्स, इसका टायर्स. तो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट से बना हुआ है विद सब्सटेंशियली डिफरेंट यूजफुल लाइफ, और सबका यूजफुल लाइफ जो है अलग अलग है, जैसे एक इंजिन 3 साल ही चलेगा उससे ज्यादा नहीं, विंग्स 2 साल चलेगा उससे ज्यादा नहीं, सपोज, ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, टायर 1 साल चलेगा
उससे ज्यादा नहीं, इंटीरियर 5 साल चलेगा उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यूसेज और फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब सब्सटेंशियली डिफरेंट कैसे है यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से। तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो उतने दिन ही मिलेगा जितना दिन उसका यूजफुल लाइफ होगा। देन ईच कॉम्पोनेंट, हर एक कॉम्पोनेंट को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, शुड बी रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉर्ड करना चाहिए। कैसे कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? इसके यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग, ये देखो, रिकॉग्नाइज्ड ओवर इट्स इंडिविजुअल यूजफुल लाइफ एंड डिप्रिशिएट सेपरेटली ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब इसका रिकॉर्डिंग भी हमें इसके यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग करना है, डिप्रिशिएशन भी वैसे करना है। जैसे इंजन का डिप्रिशिएशन 3 साल के बेसिस पे लगेगा, विंग्स का 2 ईयर्स, इसका 5, इसका 1, अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो अगर सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट से बना हुआ है हमारा कोई एसेट, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब हम लोग उसको जो है एक साथ ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो अलग है, ठीक है। तो ऐसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पीपी हम लोग डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट अकाउंटिंग। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई। ये क्या होगा? सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन पीपीई, लिखो, बताते हैं, इफ एनी सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज डन ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ पीपीई, सच सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर should be capitalized provided it improves efficiency of PPE, that is it improves फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम एसेट। अच्छा, देखो क्या बोला है इसके, और एक लाइन भी है वो भी बताएंगे। बोल रहा है कि इफ एनी, सब पहला बात है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का मतलब एक एसेट खरीद लिया हम लोगों ने, अब एसेट को कभी कभी तो रिपेयर वगैरह करने का भी जरूरत होता है ना, उसको कुछ भी खराबी होता है तो उसको ठीक भी तो करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो घर पे जिसका जो भी एसेट है वो खराब हो ही सकता है ना, लाइक मान लो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें ठीक करवाना पड़े। तो वैसे ही बोल रहा है इफ एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज डन ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ पीपी, लेकिन ये कैसा एक्सपेंडिचर बोल रहा है, हम लोग अपने पीपी का इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं सच ए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज प्रोवाइडेड इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ पीपी। मतलब हम लोग का पहले से एक प्लांट मशीनरी था, ठीक है, हम लोगों ने उस पे कुछ ऐसा खर्चा करवाया कि उसका प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी बढ़ गया। पहले 1 आवर में 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अभी 1 आवर में 1500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो ये एक प्लांट मशीनरी है, ठीक है, इसका पहले का परफॉर्मेंस क्या था, 1 आवर में 1000 यूनिट बनाता था,
आउटपुट, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पे कुछ ऐसा खर्चा किया, इसको ऐसे इंप्रूव कर लिया कि ये 1 आवर में 1500 आउटपुट देता है, तो हम लोग का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गया पीपी का। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग इस खर्चे को पीपी के कॉस्ट में एड करेंगे। मतलब सिंपल सा बात है, जैसे मान लो तुम लोग का एक लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप खराब हुआ, तुम लोगों ने उसे ठीक करवाया, मान लो उसका कीबोर्ड खराब हो गया था, ठीक है, कीबोर्ड सही से नहीं चल रहा था, कीबोर्ड प्रेस करने से भी वो नहीं चल रहा था, तो उसको जाके तुम लोगों ने रिपेयर करवा लिया, लेकिन इससे तुम लोग का लैपटॉप का एफिशिएंसी नहीं बढ़ा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, उसको ठीक करवाया। अब मान लो कीबोर्ड ठीक करवाने का खर्चा आ गया 2000, तो तुम लोग क्या लिखोगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ये ठीक करवाया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश, ठीक है। तो तुम लोगों ने सर्विस सेंटर में गए और जो है रिपेयर करवा लिया, क्या रिपेयर करवाया, कीबोर्ड, ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे कीबोर्ड रिपेयर अकाउंट डेबिट। तो ये मैंने क्या किया, इसको क्लोज कहाँ करोगे, पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू कीबोर्ड रिपेयर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, रेवेन्यू खर्चा हो गया, मतलब कोई भी एक चीज को रखने का तो खर्चा हो ही सकता है ना, तो ये हम लोग का रेवेन्यू खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन लैपटॉप में तुम लोगों ने मान लो क्या किया, लैपटॉप के रैम को ही बढ़ा लिया, ठीक है, लैपटॉप के रैम को बढ़ा लिया, या फिर मान लो लैपटॉप का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो ड्राइव है, ठीक है, जो हार्ड डिस्क वगैरह है उसको चेंज करवा लिया, जो भी कैपेबिलिटी था उससे ज्यादा का लगवा लिया, तो अब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया लैपटॉप का, यानी एफिशिएंसी बढ़ गया, और उसको करवाने का जो खर्चा आया, ठीक है, उसको करवाने का जो खर्चा है, मान लो लैपटॉप बहुत स्लो स्लो चल रहा था, वो तो पहले से भी फास्ट चलने लगा, अगर पहले से भी फास्ट चलने लगा तो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग एसेट से जो हमें बेनिफिट मिलता था उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस खर्चे को, मान लो हम लोगों ने अपने लैपटॉप का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया, ठीक है, उसके लिए खर्चा हुआ 10,000 रुपीज, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लैपटॉप के दाम पे ऐड करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, मतलब इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड करना, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, अपने एसेट के कॉस्ट में उसे ऐड कर दिया, मान लो पहले लैपटॉप था 60,000 का और अभी हो गया है, मतलब जब परचेस किया था 60,000 का था, ठीक है, तब तो हम लोगों ने एंट्री किया था लैपटॉप टू कैश। अब अगर हम लोग रूटीन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड खराब हो गया या कुछ और इश्यूज, जैसे मान लो स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो सब ठीक करवा रहे हैं, तो वो रूटीन खराब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि रिपेयर्स के एक्सपेंस, मतलब पीएल में डाल दो। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई खर्चा कर दिया कि हमारे लैपटॉप का जो कंडीशन था, जिससे हमें जो बेनिफिट मिलता था उससे ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने तुम लोग को प्लांट मशीनरी, अब प्लांट मशीनरी थोड़ा खराब हुआ, कोई आके मैकेनिक उसे रिपेयर करके चला गया, ठीक है, तो अगर उसे रिपेयर करके चला गया वो रिपेयर का खर्चा है, लेकिन मशीनरी को हम लोगों ने ऐसा उसमें चेंजेस किया, ऐसा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा किया कि उसका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बढ़ गया, तो हम लोग उसको प्लांट मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करेंगे। मतलब अगर प्रेजेंट कंडीशन चेंज हो जाता है और हमें बेनिफिट मिलता है तो उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, तब रेवेन्यू नहीं होता, रेवेन्यू मतलब डे टू डे का खर्चा, जैसे रिपेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं या ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे हमारे एसेट के प्रेजेंट कंडीशन का इम्प्रूवमेंट हो गया, तो हम लोग उस कॉस्ट को, मतलब उस एक्सपेंडिचर के कॉस्ट को कैपिटलाइज्ड करेंगे, लेकिन हाँ, इंप्रूव होना चाहिए हमारे पीपी का एफिशिएंसी, दैट इट इंप्रूव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम एसेट, ठीक है। तो हमें पहले प्रोडक्शन जो मिलता था अभी उससे ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि पहले 1 आवर में अगर मान लो 1000 यूनिट प्रोड्यूस होता था और अभी अगर 1 आवर में 1500 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, खर्चा वही हो रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, वही लेबर काम कर रहे सब, तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1000 यूनिट बनाने का पहले खर्चा आता था, सपोज यहाँ पर लिखते हैं 20,000 रुपीज, ठीक है, तो एक एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा, 20 रुपए करके, ठीक है। अब हम लोग का वही 20,000 का ही खर्चा आ रहा है, लेकिन हमें मिल रहा है 1500 यूनिट, ठीक है, 20,000 का ही खर्चा आ रहा है, लेकिन 1500 यूनिट हमारा जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी हो चुका है, यानी हम लोग का एक एक
यूनिट 13 रुपीज का हो रहा है, ठीक है, एक एक यूनिट 13 रुपीज का हो रहा है। पहले जो प्रोडक्शन करने पे फिनिश गुड्स 20 रुपीज का प्रोड्यूस होता था, वो 13.30 में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब हम लोग का 7 रुपीज का बेनिफिट हो गया। तो अगर हम लोग इसको मार्केट में पहले मान लो बेचते थे प्लस टू करके 22 रुपए में, अभी भी मान लो हम लोग इसको 22 रुपए में ही बेचना चाहते हैं, तो हमारा प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा। तो वही वह इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। हम लोगों ने अपने एसेट को इस तरह से मॉडिफाई किया एक्सपेंडिचर करके कि उसका जो कैपेसिटी है वही बदल गया। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड खर्चा किया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, डे टू डे का रेवेन्यू खर्चा, और उसे हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इफ सच एक्सपेंडिचर डज नॉट satisfy the above recognition, it will be चार्ज टू पीएल। लेकिन अगर ऐसा खर्चा नहीं है कि जिससे हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बढ़ गया, बस खराब हुआ था ठीक करवा लिया, तो उसे हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, जहां पर हम लोग बिजनेस के डे टू डे के खर्चे को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसका भी हम लिख देते हैं, एक छोटा सा समरी बना देते हैं ये पूरे जो लैंग्वेज है इसका। अगर सबसिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट मतलब परचेस करने के बाद, परचेस करना भी एक खर्चा है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग किसी तरीके का और खर्चा, सब्सिक्वेंट मतलब कुछ और, ठीक है। अगर हम लोग सब्सिक्वेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेंसेस जो है वो इंप्रूव कर दे रहा है, इंप्रूव पीपीई इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी। हम लोगों ने ऐसा खर्चा कर दिया अपने एग्जिस्टिंग एसेट पे कि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर रूटीन मेंटेनेंस, एक्सपेंस रूटीन मेंटेनेंस है, जैसे कि एक एसेट रखते हैं तो उसका रूटीन मेंटेनेंस होता है, जैसे घर पे एक्वागार्ड है तो उसे भी ठीक करवाना पड़ता है, घर पे एसी है तो उसे भी ठीक करवाना पड़ता है, ठीक है। फ्रिज का वैसे कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं होता है, लेकिन साफ सफाई तो करना ही पड़ता है ना। मतलब जैसे एक्वागार्ड वगैरह बिना मैकेनिक के हम लोग खुद से ठीक नहीं कर सकते, अगर किसी को आता है तो वो भी कर सकता है, ये बात नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं कि रूटीन मेंटेनेंस अगर कुछ है तो वो बात अलग है कि ठीक है, इतने दिन चलने के बाद तो खराब होगा ही, जैसे एक्वागार्ड के अंदर कार्टेज वगैरह होता है, ठीक है, वो तो खराब होता ही है, तो उसे करवाना पड़ता है, ठीक। तो उसे हम लोग बोलेंगे ये चार्ज होगा चार्ज टू पीएल। जैसे मान लो किसी के पास बाइक वगैरह है, तो बाइक का भी एक रूटीन एक्सपेंस होता है, उसको सर्विस करवाना पड़ता है, लेकिन बाइक में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किए कि बाइक का जो है कैपेसिटी बढ़ गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हम लोग के पीपीई के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। हम लोगों ने जितने का एसेट खरीदा था उसी के कॉस्ट में वो और भी ऐड हो जाएगा, कॉस्ट प्लस कर दिया, और ये चार्ज टू पीएल होगा। मतलब जो भी मैंने यहाँ समझाया और लिखवाया उसका समरी बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना ही है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैसा है, क्या वो रूटीन मेंटेनेंस था तो पीएल में दिखाओ, अगर वो रूटीन मेंटेनेंस नहीं था और उसको करने के बाद हमारे जो है पीपीई का कैपेसिटी चेंज हो गया, चेंज यानी इंप्रूव हुआ है, ऐसा नहीं कि हो जाए, तब थोड़ी ना होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि उसको पीपी के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन कैसे करके, डेप्रिसिएशन को हम लोग यहां पर देखेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था AS6 पहले डेप्रिसिएशन के लिए था, लेकिन अभी AS10 जो कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए है, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी हमारे इसी एएस में फुलफिल होता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई कैसे करके डेप्रिसिएशन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ईच ईयर, तो हम ऐसे लिख देते हैं डीईपी, यहाँ एल, ये एन लिखे हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ईच ईयर
हर साल डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है, ठीक है, हर साल डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है, यही रूल्स है। इसीलिए जिन्होंने डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग कभी किया है उनको पता होगा कि हम लोग ईयर टू ईयर डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। फिर डिप्रिशिएशन शुड बी चार्ज यूजिंग सिस्टमेटिक मेथड, ठीक है। अब इसके लिए ना हमें मेथड्स बता दिए गए हैं कि जो भी मेथड है उसमें से जो सही लगे उसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने AS1 में भी पढ़ा था कि मेथड्स होता है, ठीक है, तो उस मेथड्स में से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगा हम लोग वो एडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड क्या क्या होता है, दैट इज SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने AS1 में पूरा नाम लिखवाया हुआ है, WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, और एनी अदर मेथड या फिर कुछ और मेथड है तो वो भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो डिप्रिशिएशन कैसे होगा, हर साल चार्ज करना पड़ेगा, और कैसे चार्ज करेंगे, मेथड्स जो बताए गए हैं उसको यूज करके, जैसे कि SLM, WDV या फिर कुछ और भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहां पर, डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच एसेट इज रेडी टू यूज, ठीक है। कब से डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, जब से एसेट हमारा रेडी टू यूज हुआ है तब से चार्ज करना है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाया था, ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पर खुद बिल्डिंग बना रहे थे ना, तो बिल्डिंग बन के रेडी होगा फिर यूजेबल कंडीशन में आएगा उसके बाद से ही डिप्रिशिएशन चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किए तो डिप्रिशिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। डिप्रिशिएशन कब से चार्ज करना है, AS10 हमें बोल रहा है कि जो एसेट हम लोग डिप्रिशिएट करना चाहते हैं जब वो रेडी यूज हो चुका है तभी जाके हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, डेप्रिशिएशन शुड बी चार्ज्ड फॉर कंपोनेंट सेपरेटली। इसके बारे में तो अभी अभी मैंने बताया, देखो अगर हम लोग का एसेट में अलग अलग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया, तो उस केस में हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। जैसे ये देखो इंजिन को अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, विंग्स को अलग डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये सब अलग अलग एसेट बोल के रिकॉर्ड हो रहा है ना, सिर्फ एरोप्लेन को कंबाइंड एक एसेट बोल के नहीं रिकॉर्ड कर रहे, ये सबको अलग अलग एसेट बोल के हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सबका ईयर सिग्निफिकेंट जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो अगर अलग अलग है तो डिप्रिशिएशन भी अलग चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन मान लो इंजन का ईयर भी 5 साल है, इंटीरियर भी 5 साल है, तो हम लोग दोनों को एक साथ डिप्रिशिएट कर सकते हैं। मान लो दो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का लाइफ, यूजफुल लाइफ एक ही जैसा है, तो हम लोग उसको एक साथ जो है डिप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी यहां पर देखो कहीं लिख लेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट method of depreciation comma useful life comma residual value का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। यानी जैसे मैंने बोला मेरा ये मोबाइल मान लो मैंने खरीदा था 15,000 का, अभी मार्केट में अगर बेचने जाएंगे तो ये मुझे 2,000 ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल। रेसिडु मतलब बचा हुआ, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू। Should be received, should be reviewed at each balance sheet date, ठीक है। जब भी हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर जो है होता है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने आज एसेट खरीदा, आज कितना तारीख है, 10 फेब 2024 है, हम लोग का ईयर एंड होता है मान लो 31 दिसंबर 2024 को होगा, तो जब 31 दिसंबर 2024 आएगा, ठीक है, तब हम लोग डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिशिएशन हमेशा ईयरली होता है, अब ये तो ईयर नहीं होगा पूरा, 12 मंथ्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने फेब में खरीदा है, जैन में नहीं खरीदा है, तो 10 फेब से लेकर 31 दिसंबर तक जितना दिन होगा इसको 1 फेब कर लेते हैं, तो ये
समझने में आसानी हो जाएगा। तो ये 11 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हम लोगों ने इस दिन परचेस किया था, ठीक है। अगर हम लोग फर्स्ट जैन को करते तो 12 मंथ्स लग जाता पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, जितना दिन एसेट को यूज करे पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, जितने टाइम के लिए एसेट को यूज करे उतना डिप्रिसिएशन लगता है। मेथड जो अप्लाई होगा डिप्रिसिएशन लगाने का, जो एसेट का यूजफुल लाइफ होगा, कौन सा एसेट का रेसिडुअल वैल्यू होगा, ये सब भी हर बैलेंस शीट डेट पे हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए, यानी चेक करना चाहिए कि कौन सा मेथड लगाएंगे, कौन सा यूजफुल लाइफ उसका कितना है, और क्या बैलेंस शीट क्या बोलते हैं उसे, यहाँ पर यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन और रेसिडुअल वैल्यू कितना है, वो हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए हर बैलेंस शीट डेट पे। और अगर कुछ चेंज का जरूरत हो, यानी ए चेंज इज इन एनी ऑफ द अबव will be given effect to prospectively, that is treated as a change in accounting estimate as per AS 5। बताते हैं क्या बोला है। देखो पहले तो बोला कि हम लोग को, देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखवाया तुम लोग को, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, डिप्रिसिएशन हर साल चार्ज होना चाहिए। डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें कोई मेथड का एडॉप्शन करना चाहिए, लाइक SLM, WDV या कुछ और। डिप्रिसिएशन हम लोग कब से चार्ज करेंगे किसी एसेट पे, जब वो एसेट हमारा रेडी टू यूज हो गया तब। डिप्रिसिएशन अगर कॉम्पोनेंट, सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट से एसेट बना हुआ है तो हर एक कॉम्पोनेंट को हमें अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जिसमें मैंने तुम लोग को और एक पॉइंट भी बोला कि अगर कोई भी दो कंपोनेंट का सेम यूजफुल लाइफ है तो उसे हम लोग एक साथ डिप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्रिशिएशन का मेथड, यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू को हमें हर एक बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते रहना चाहिए, ठीक है। और ए चेंज इन इज इन एनी ऑफ द अबव, मतलब अगर हम लोग डिप्रिशिएशन का मेथड चेंज करना चाहते हैं बाय चांस, यूजफुल लाइफ को रिवाइज्ड करना चाहते हैं, या फिर रेसिडुअल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। जैसे यूजफुल लाइफ कैसे चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने सोचा था ये प्लांट मशीनरी 10 साल चलेगा, लेकिन इसका हालत ऐसा है कि लग रहा है 8 ही साल चलेगा, ठीक है, तो उसका रेसिडुअल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो यूजफुल लाइफ चेंज हो सकता है। या फिर हम लोगों ने सोचा था 8 साल चलेगा लेकिन कंडीशन अच्छा है 10 साल चलेगा, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ अगर चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो हमें देखना पड़ेगा। और बोल रहा है कि कोई भी चेंज इन एनी ऑफ द अबव विल बी गिवन इफेक्ट टू प्रोस्पेक्टिवली, दैट इज treated as a change in accounting estimate as per AS 5। तो AS 5 में इसके बारे में बताया है, तो बेसिकली ये लाइन यही बता रहा है कि अगर हमें कोई भी चेंज करने का जरूरत होगा तो हमें उसे कैसे चेंज करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिवली, मतलब ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट को ही चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एसेट का यूजफुल लाइफ भी हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी। जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल हम 5 साल यूज करें, ये मेरा एस्टिमेशन है, ये कोई कैलकुलेटिव वे नहीं है एस्टिमेशन कि 5 साल यूज करेंगे, उससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और हम ये बोल रहे हैं 5 साल बाद देखना ये मोबाइल से ना मुझे 2000 मिलेगा, ये भी एस्टिमेशन है। तो वही बोल रहा है कि अगर ये सब कोई भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन भी हम लोग एस्टिमेटेड वे में ही करते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा 15,000 का मोबाइल मुझे 5 साल बाद 2000 रुपए देगा, यानी मैंने 13,000 का उस एसेट को यूज कर लिया मेरे मोबाइल को, ठीक है, तो 13,000 को मैंने 5 साल में यूज किया, पर ईयर जितना किया वही डिप्रिसिएशन हुआ। तो ईच एंड एवरी आइटम यहाँ पर एस्टिमेटेड है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अब वही मोबाइल कोई और बोलेगा कि हम 3 ही साल यूज करेंगे, ठीक है, तो ये होता है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन को जब हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिवली, उसका इफेक्ट हमें प्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा, दैट इज ट्रीटेड एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर AS 5 के अकॉर्डिंग इसे हम लोग मतलब ट्रीट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो चेंजेस है तो उसको कहां पर बताया गया है, AS 5 में, मतलब ये चेंजेस इन एनी ऑफ द अबव विल बी गिवन इफेक्ट टू प्रोस्पेक्टिवली, हमें इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली दिखाना है, वो बात कहां पर बोला गया है, AS 5 में। हमें यहां पर बस इतना ही पता करना है, प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिखाना है, और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब हम लोग अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करना
चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ पीपीई, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। पीपीई को हम लोग कैसे सब्सिक्वेंटली मेजर करें, सब्सिक्वेंटली मेजर करने का मतलब जब हम लोग परचेस कर रहे हैं तब तो उसे एक बार मेजर करके रिकॉर्ड करते ही हैं, तब हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, तब हम लोग उसमें मेजरमेंट में क्या फॉलो करेंगे, पहले हम लोग ये करते हैं, ये देखो सब्सिक्वेंटली मेजरमेंट छोड़ो, पहले जब हम लोग फर्स्ट टाइम मेजर करते हैं तो क्या देखते हैं कि उससे हमें कितना कैश फ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है अपने बिजनेस में, फिर उसका कॉस्ट चेक करते हैं, ये तीनों में से किसी एक मेथड के अंदर। लेकिन नेक्स्ट ईयर, इस ईयर एसेट परचेस कर लिया, नेक्स्ट ईयर उस एसेट को कितने वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उस एसेट को यूज भी किया कितने वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो तुम लोग को पता है। देखो तुम लोग बोलोगे उसको तो हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने 12,000 का मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, और उसको एक साल यूज किया और हम बोल रहे हैं उस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 2,000, तो बचा कितना 10,000। मतलब जब बैलेंस शीट बनेगा तो यहां पर मेरा फिक्स्ड एसेट दिख रहा था 12,000 का, ठीक है, और उस पे डेप्रिसिएशन लग गया 2,000 का, यानी अभी मेरा फिक्स्ड एसेट दिख रहा है 10,000 का। फिर नेक्स्ट ईयर कितना दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट था मेरा 10,000 का, फिर से मान लो 2,000 का ही डेप्रिसिएशन हुआ तो वो दिखेगा हम लोग का 8,000 का, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया, इसके बाद ये सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने के बाद 10,000 हुआ, अब ये परचेस किया था मान लो 12,000 से, तो ये हो गया सब, ये है फर्स्ट टाइम मेजरमेंट, ये सेकेंड टाइम मेजरमेंट, ये थर्ड टाइम मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो तुम लोग माइनस माइनस करते जाते हो ना, इसको बोला जाता है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। ये जो माइनस कर करके लिखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगर नेक्स्ट फिर से मान लो डेप्रिसिएशन हम लोग का 2,000 ही है, तो अभी 8,000 एसेट का वैल्यू है, डेप्रिसिएशन 2,000 लग के इसका वैल्यू 6,000 हो जाएगा, इस चीज को बोला जाता है कॉस्ट मॉडल, ठीक है। लेकिन तुम लोग को और एक मॉडल भी सीखना पड़ेगा, रिवैल्युएशन मॉडल, ठीक है। तो रिवैल्युएशन मॉडल में हम लोग पीपी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिक्वेंटली, मतलब नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड, परचेस के टाइम पे नहीं, परचेस के बाद जब हम लोग बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करके दिखाना चाहते हैं, तो पहले लिखेंगे यहां पर पीपीई कैन बी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड under any of the two given model. First cost model जो कि मैंने अभी तुम लोग को दिखाया, उसको cost model बोला जाता है, जो तुम लोग normally follow करते हो। एक होता है revaluation model, ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल यहां पर, फिर इसके बाद पॉइंट लिखो, रिवैल्यूएशन मॉडल इज एन ऑप्शन गिवन टू ए पीपीई बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स डिसीशन। मतलब बता रहे हैं, देखो क्या बोला है कि रिवैल्यूएशन मॉडल इज एन ऑप्शन गिवन टू ए पीपी बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स डिसीशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमें कॉस्ट मॉडल एडॉप्ट करना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल एडॉप्ट करना है, वो डिसीशन मैनेजमेंट के ऊपर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि उन्हें रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है अपने एसेट को सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करने के लिए या कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिवैल्यूएशन मॉडल शुड बी सिलेक्टेड when there is a material difference between
कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. ठीक है. अच्छा देखो, पहले तो बोला कि रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है कि कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना है. वो पूरा पूरी डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अच्छा अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन मॉडल कब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर हमारा एक मेटेरियल यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें दिख रहा है किसमें, हमारा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में. जैसे कि मान लो हम लोग के पास एक मशीन है. ठीक है. मशीन का जो वैल्यू है वो है, यहाँ पर लिखते हैं, वो वैल्यू है 1 लाख. ठीक है. ये कहाँ पर दिख रहा है, ये बैलेंस शीट में दिख रहा है. बैलेंस शीट में एक मशीन है उसका वैल्यू है 1 लाख. ठीक है. लेकिन उसका फेयर वैल्यू यानी मार्केट में उसी डेट पे, ये मान लो बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2023 का, इसी डेट पे उसी एसेट का मार्केट में वैल्यू हो चुका है 5 लाख. हो ही सकता है, मान लो ये मशीन काफी डिमांडिंग हो गया है अभी और नहीं मिल रहा है मार्केट में. ठीक है. तो हो सकता है वही 1 लाख का एसेट 5 लाख हो गया, मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया. कम भी हो सकता है, वैल्यू बढ़ गया. तो यहाँ पर ये क्या है, ये कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू. तो ये क्या है, फेयर वैल्यू जो मार्केट में दिख रहा है. तो ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है. कहाँ एक ही चीज 1 लाख का, कहाँ 5 लाख का. अगर ये 1 लाख की जगह 1,05,000 हो जाता तो सिग्निफिकेंट मेटेरियल इंपैक्ट नहीं आता. मेटेरियल का मतलब ह्यूज अमाउंट, मतलब जिसका डिफरेंस जो है कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल सकता है. तो 1 लाख का चीज 1,05,000 हो ही सकता है, लेकिन 1 लाख का एसेट 5 लाख हो गया एक ही साल के अंदर. मान लो मतलब यहाँ 31 दिसंबर 2020 आज ही एसेट मार्केट में लेने जाओगे 5 लाख का, हमारे पास पहले से है तो 1 लाख का है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई उतना नहीं है. तो ये जो इतना ज्यादा चेंजेस दिख रहा है, मेटेरियल डिफरेंस है, तब हमें रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. लेकिन अगर मेटेरियल डिफरेंस नहीं है, यानी 1 लाख का एसेट मान लो 1,05,000 हुआ है या 1,02,000 हुआ है, तो उसे हम लोग मेटेरियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे. और मेटेरियल डिफरेंस नहीं होने से हमें जो है रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. तो पहला बात है रिवैल्यूएशन मॉडल करना है कि कॉस्ट मॉडल, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. फिर उसके बाद एक पॉइंट बताए कब हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज कर सकते हैं. अगर हमारे पास जो एसेट है उसका बुक वैल्यू और मार्केट में उसका फेयर वैल्यू में ह्यूज अमाउंट ऑफ का डिफरेंस है, तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. फिर यहां पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल शुड बी फॉलोड फॉर एंड entire class of PPE such as plant and machinery, land and building, that is if an entity has taken a decision to revalue the building, then it should be revalue all the buildings of the entity. बताते हैं क्या बोला है. अगर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल ले रहे हैं तो वो एंटायर क्लास ऑफ पीपी के लिए लेना पड़ेगा. क्लास ऑफ पीपी का मतलब क्लास यानी क्या होता है, जैसे मान लो स्कूल में क्लास होता है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. अगर 5 के किसी बच्चे के ऊपर कोई टीचर कोई रूल्स लगा रहा है तो वो सबके ऊपर ही एप्लीकेबल होना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि चुन चुन के इसी पे रूल्स लगा देगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पर बोला है कि प्लांट मशीनरी जितने सारे हैं, अगर हम लोग किसी एक प्लांट मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाहते हैं तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे प्लांट मशीनरी है सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा. अगर हम लोग किसी लैंड या बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने सारे जो है लैंड बिल्डिंग है सभी पे वो मॉडल एप्लीकेबल, रिवैल्यूएशन मॉडल एप्लीकेबल करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, एक चीज हो सकता है, हम लोग प्लांट मशीनरी
इन्वेंट्री पे लगा रहे हैं रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग पे लगा रहे हैं हम लोग कॉस्ट मॉडल, ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा कि एक एक तरीके के क्लास ऑफ एसेट पे प्लांट मशीनरी चल रहा है, एक तरीके के क्लास ऑफ एसेट पे जो है कॉस्ट मॉडल चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो स्कूल में जो 5-6 के बच्चे हैं उनका छुट्टी 3 बजे हो जाता है, फिर 7 से लेकर 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका छुट्टी 4 बजे होता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये जो है अगर 5-6 के बच्चे का 3 बजे छुट्टी होगा तो सभी का होगा, सभी को 3 बजे ही छुट्टी देना पड़ेगा, हम लोग किसी को 4 बजे छुट्टी दे देंगे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और 7-10 वाले बच्चे को 7-8, 7 से लेकर 10 में जो पढ़ते हैं उनको अगर 4 बजे छुट्टी मिलेगा तो वो सभी को 4 बजे मिलेगा, एक को 4 बजे, एक को 3 बजे, ऐसा नहीं मिलेगा। यानी ये क्लास ऑफ एसेट हो गया, ठीक है, क्लास ऑफ एसेट पे एक ही रूल्स लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, जैसे ये 5-6 का कंसेप्ट एक हो गया और 7 से लेकर 10 का से टेप हो गया, वैसे ही जैसे प्लांट मशीनरी के अंडर जो भी जितने प्लांट मशीनरी आएंगे सब पे एक ही मॉडल यूज होगा, लेकिन प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग कैटेगरी पे अलग अलग मॉडल यूज हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला है, इफ एन एंटिटी हैज टेकन अ डिसीजन टू रिवैल्यू द बिल्डिंग देन इट शुड बी रिवैल्यूड ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ द एंटिटी, सारे बिल्डिंग्स, एंटिटी के सारे बिल्डिंग्स, एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिल्डिंग्स को हमें रिवैल्यूड करना पड़ेगा सेम उसी मॉडल से, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट लिखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टिव एसेट्स विद इन ए क्लास इन इज नॉट परमिटेड। देखो रिवॉल्यूशन ऑफ सिलेक्टिव एसेट्स विद इन ए क्लास मतलब वही बोला कि बिल्डिंग प्लांट मशीनरी 5 तरह का है, ठीक है, किसी एक एंटिटी के पास 5 प्लांट एंड मशीनरी है, वो बोल रहे हैं 3 पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगाएंगे, 2 पे कॉस्ट मॉडल लगाएंगे, नहीं चलेगा। वही बोला है रिवॉल्यूशन करने का मेथड हम लोग एक ही क्लास ऑफ एसेट के बीच में सिलेक्टिव वे में नहीं कर सकते कि इसका ऐसा करेंगे। रिवॉल्यूशन ऑफ सिलेक्टिव एसेट विद इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर हम लोगों ने एसेट को सिलेक्ट कर लिया, 3 प्लांट मशीनरी को एक जगह, 2 प्लांट मशीनरी को एक जगह, तो इसमें ये परमिशन नहीं है, ठीक है। अगर प्लांट मशीनरी पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना है तो पांचों के पांचों में ही लगाना पड़ेगा, हम लोग इस तरीके से बाइफर्केशन नहीं कर पाएंगे सेम क्लास ऑफ एसेट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे एंटिटी कैन फॉलो रिवॉल्यूशन मॉडल फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट, कॉस्ट मॉडल फॉर द रिमेनिंग क्लास ऑफ एसेट, ठीक है। ये क्या है, देखो एक एंटिटी क्या कर सकता है, रिवॉल्यूशन मॉडल यूज कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए, मतलब मान लो बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है रिवॉल्यूशन मॉडल, तो दूसरे किसी क्लास ऑफ एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल, ये मैंने पहले ही बता दिया कि बिल्डिंग पे एक तरीके का, प्लांट पे एक तरीके का चलेगा, लेकिन प्लांट कैटेगरी में जो भी प्लांट मशीनरी आ रहा है उस पर अलग अलग मेथड नहीं चलेगा, वही चीज बोला है, उसको मैंने समझा भी दिया और तुम लोग को लिखवा भी दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का मेथड देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक है, कैसे करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपवर्ड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं मतलब हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, या फिर अगर डाउनवर्ड कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, यहाँ पर लिखते हैं। मान लो कि एसेट एक है फिक्स्ड एसेट जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, उसको हम लोगों ने रिवैल्यू किया है और रिवैल्यूएशन वैल्यू आया है 110, ठीक है,
इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, पीपीई एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, तो पीपीई अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा है, 10 से, पहले था 100 रुपीज का, भी 10 से बढ़ा है, और खरीदा तो नहीं है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको रिवैल्यू किया, उसके वैल्यू को चेंज किया है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिवैल्युएशन रिजर्व बोल के, ठीक है, रिवैल्युएशन रिजर्व, अगर हमारे एसेट का वैल्यू मतलब चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग एसेट का वैल्यू और बढ़ा है, तो बढ़ने से एसेट व्हाट कम्स इन डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट कितने से बढ़ा है, 10 रुपीज से, तो एसेट एसेट की जगह लिखेंगे पीपी, पीपी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि परचेस करके एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ा है, रीवैल्युएशन करके बढ़ा है, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा रीवैल्युएशन रिजर्व, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड हुआ तो कैसे एंट्री होगा, तब मान लो एसेट का कॉस्ट है सपोज 100 और अभी रिवैल्यूएशन हुआ है, इसको इसका वैल्यू जो है कम कर दिया गया है, कम करके 90 हो गया है, अब इससे लॉस है, तो कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा पीपी का वैल्यू कम हो गया, तो एसेट बढ़ने से डेबिट, एसेट कम होने से क्रेडिट, ठीक है, रियल अकाउंट, एसेट बढ़ने से व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, कम्स इन 10 गोज आउट भी 10 से ही किया है मैंने, अच्छा यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को, नहीं, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोल के हम लोग यहाँ पर 10 रुपीज दिखाएंगे, ठीक है, कि हम लोग का इतना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू पीपीई, ठीक है, टू पीपीई बोल के यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाएंगे और अगर लॉस हुआ तो हम लोग उसको पीएल में दिखाएंगे, पीएल में डेबिट करके दिखाएंगे और यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज करेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर फिर से रिवैल्यूएशन हुआ तो हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्युएशन मतलब एक बार रिवैल्युएशन हो चुका है, ये देखो पहले एसेट परचेस किया था 100 से, रिवैल्युएशन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही दिखाया, दोनों में से कोई एक हो सकता है, अब फिर से अगर रिवैल्युएशन हुआ तो कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंट मतलब फर्दर है ना, इसके बाद, तो यहां पर लिखते हैं अगर फर्स्ट रिवैल्युएशन अगर अपवर्ड था एंड सेकेंड ऑल्सो अपवर्ड तो क्या होगा, और यहां पर लिखते हैं फर्स्ट रिवैल्युएशन अपवर्ड एंड सेकेंड टाइम डाउनवर्ड मतलब ये इसका पार्ट हो गया, ठीक है, ये इसका फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ और सेकेंड टाइम अगर अपवर्ड हुआ था पहले फिर से अपवर्ड हुआ या फिर पहले अपवर्ड हुआ था अभी डाउनवर्ड हुआ तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले एसेट का कॉस्ट मतलब जितने में हम लोगों ने एसेट को परचेस किया वो 100 था, ठीक है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन किया गया 110 का और सेकेंड रिवैल्यूएशन है 120 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए, तो एंट्री ऐसे होगा फर्स्ट टाइम जब होगा, मान लो ये पूरे कंडीशन को हम बता रहे, ठीक है, ये मैंने सिंगल बताया परचेस करने के बाद, ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ 100 से 110 तो एंट्री क्या होगा, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, कितना 10 10, फिर से सेम एंट्री हो जाएगा, ये 110 से 120 हुआ, यहां से यहाँ 10 बढ़ा, यहां से यहाँ भी 10 बढ़ा, तो क्या एंट्री होगा, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, सेम एंट्री हो जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड था और अभी हुआ है हम लोग का डाउनवर्ड, मतलब पहले मान लो कॉस्ट था हम लोग का 100, ठीक है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ हम लोग का 110, ठीक है, अच्छा और इसका मतलब यहाँ पर 10 का वैल्यू बढ़ गया और सेकेंड रिवैल्यूएशन हुआ सपोज की 90 का, तो यहाँ से यहाँ का लॉस कितना हो गया 20 का, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो देखो फर्स्ट टाइम जब 10 बढ़ रहा है तो एंट्री होगा पीपीई अकाउंट डेबिट, एसेट मेरा बढ़ गया टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, तब एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व से करना चाहिए, उस प्रॉफिट को हम लोग रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे, उसका रीजन भी सुन लो क्यों इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का कोई बिजनेस से अर्न किया गया इनकम नहीं है कि प्रोडक्ट सर्विस सेल करके इनकम अर्न किया तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोल के रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि प्रूडेंस नेचर हमें बताता है जो प्रॉफिट हम लोग जो है
अर्न नहीं किए हैं, अर्न नहीं किया, ये बेच के अर्न नहीं किया, मेहनत से नहीं किया है, ये रिवैल्यूएशन करके ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बिना मेहनत के मिल रहा है, तो इसीलिए इसको पीएल में मत दिखाओ, बिजनेस की इनकम में मत दिखाओ, इसे रिजर्व में दिखाओ। कैसे रिजर्व में? क्योंकि रिवैल्यूएशन से बना है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। अब लॉस हो गया, अब लॉस होने से कैसे एंट्री होगा? लॉस होने से हम लोगों को लॉस रिकॉर्ड करने के लिए प्रूडेंस नेचर बोलता है, लॉस रिकॉर्ड कर सकते हो, इसीलिए तो हम लोगों ने इसको पीएल में दिखाया। लॉस पीएल में रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका 20 रुपीस का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, अब यहां पर समझने वाला बात है, तब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, हम लोग का पीपीई 20 रुपीस से कम हो जाएगा, सीधा सा बात है, पीपीई 20 रुपीस से कम हो रहा है, 110 का पीपीई 90 हो रहा है, 20 रुपीस से कम हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, लॉस 20 का हो रहा है, तो क्या हम लोग पीएल 20 लिखेंगे? नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग पीएल से एंट्री करेंगे और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर पहले से 10 रुपीज है, हम लोग उस इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए उस रिजर्व का यूज करेंगे, और फिर भी अगर लॉस राइट ऑफ नहीं हो रहा है तो जितना कम हो रहा है उतना पीएल में दिखाएंगे। ये एक एंट्री, ये एक एंट्री, ठीक है। हम फिर से बताते हैं, एक एसेट था 100 रुपीज का, जिसको हम लोगों ने 10 रुपीज से बढ़ाया, परचेस करके नहीं, उसके वैल्यू को चेंज करके, तो एसेट बढ़ा, लेकिन ना तो परचेस करके बढ़ा कि तू कैश बैंक लिख देंगे, ना तो इससे हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग पीएल बोल के रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इसको फिर कहां दिखाना है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जिसको नाम दिया गया है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, एसेट का वैल्यू कम हो गया, कितने से कम हुआ, 20 से, लेकिन सेम एसेट के लिए पहले हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था 10 रुपीस का, अभी सेम एसेट पे लॉस है 20 रुपीस का, तो इससे इसको सेट ऑफ करके हम लोग बोलेंगे लॉस 10 रुपीस का ही बचेगा। तो कैसे करके सेट ऑफ करेंगे, ये देखो 2 PPE, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है 20 से, अब लॉस कितने का हो रहा है 20, पूरा पीएल को बुक मत करो, क्यों? क्योंकि इसी कैटेगरी में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके बैठे हैं, तो उस प्रॉफिट को यूज करो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो यूज किया बट कम पड़ गया, जितना कम पड़ा उसको पीएल में दिखाओ, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 10, पूरा प्रॉफिट यूज कर लिया और पीएल 10 हो गया, ठीक। पीएल में हमें फिर 10 रुपीज ही चार्ज करना पड़ेगा, इस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इस तरीके से रिकॉर्ड होगा, ये हो गया हम लोग का सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट है, फिर से एक बार सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन देखेंगे, जिसमें हमारा थोड़ा सा पॉइंट अलग होगा। यहाँ पर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा होगा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन जब हुआ, फर्स्ट डाउनवर्ड हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम एसेट का वैल्यू कम हुआ, एंड सेकेंड ऑल्सो डाउनवर्ड, तो क्या एंट्री होगा, दोनों बारी पीएल डेबिट हो जाएगा। ये देखो, हम लोग का एसेट का कॉस्ट था पहले 100, ठीक है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में इसका वैल्यू हो गया 90 और सेकेंड रिवैल्यूएशन में इसका वैल्यू हो गया 80, तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, फर्स्ट टाइम लॉस हुआ 10, सेकेंड टाइम भी 10 का लॉस हुआ, तो क्या एंट्री होगा, दोनों बार हमारा पीपीई कम हुआ, तो फर्स्ट टाइम पीपीई कम हुआ तो पीएल को डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस को पीएल में दिखाने के लिए बोला गया है हमें, और सेकेंड टाइम भी सेम एंट्री होगा, पीएल डेबिट टू पीपीई, पीएल डेबिट टू पीपीई, सेकेंड टाइम भी हम लोग का लॉस रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, और अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट डाउनवर्ड था एंड सेकेंड अपवर्ड, सेकेंड टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तब कैसे होगा, तब हमें कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहां पर लिखते दिखाते, पहले मान लो हम लोग का कॉस्ट था एसेट का 100, ठीक है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ, बोल रहा है डाउनवर्ड, तो हम यहाँ 90 दिखा देते, तो कितने से वैल्यू कम हुआ, 10 से डाउन हुआ, और सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन होके एसेट का वैल्यू हो गया सपोज 110, यानी कितने से बढ़ गया, 20 से इंक्रीज हो गया, अब कैसे रिकॉर्ड होगा, जब फर्स्ट टाइम वैल्यू कम हुआ तो एंट्री टू पीपी, पीपी मेरा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 10 से, अब लॉस होने से कहां दिखाना है, पीएल में दिखाना है 10 रुपीज, ठीक है। अब बढ़ गया तो क्या 20 से रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिकॉर्ड, मतलब बढ़ गया तो ऐसे लिखेंगे ना, पीपीई अकाउंट डेबिट, ये तो हमें पता है 20, लेकिन क्रेडिट कहां करेंगे, हमें पता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में करने के लिए बोला गया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्या पूरा 20 को रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा,
पहले इस कैटेगरी में लॉस हुआ था, उस लॉस को पहले सेटअप करो, ठीक है। तो 20 का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 10 रुपीज का लॉस अभी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 रुपीज का लॉस अगर हम लोग सेटअप करेंगे तो 10 का लॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, पीएल डेबिट था पीएल क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज से, ठीक है। बचा जो प्रॉफिट का हिस्सा, 20 टोटल प्रॉफिट हुआ था, उसमें बचा हुआ प्रॉफिट का हिस्सा रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, यहां पर हमें 10 रुपीज दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इसमें रिवैल्यूएशन करके 10 रुपीज का लॉस हुआ, सेम एसेट पे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो जब लॉस हुआ तो पीएल में लॉस बुक किए थे, प्रॉफिट जब हुआ 20 रुपीज का, पहले बोल रहा है उस 20 से 10 रुपीज के लॉस को एडजस्ट करो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा, 10 बच रहा है, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है हमें समझना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे करके करना पड़ेगा, कि पहले क्या था फिर क्या हुआ। तो क्या है कैटेगरी, कैटेगरी ये है कि अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाते हैं, डाउनवर्ड होता है तो उसको पीएल में दिखाते हैं। तो डाउनवर्ड होगा तो पीएल डेबिट टू पीपी, पीपी कम हो रहा है, अपवर्ड हुआ तो पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ था अपवर्ड, फिर हो गया फिर से अपवर्ड, तो दोनों बारी रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट आ जाएगा, पीपी टू रिवैल्यूएशन, पीपी टू रिवैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम अपवर्ड एंड सेकेंड टाइम डाउनवर्ड, तब क्या करना है, फर्स्ट टाइम अपवर्ड कर दिया, सेकेंड टाइम जब डाउनवर्ड होने पे लॉस होगा तो उस लॉस को पहले हमें सेटअप करना पड़ेगा पहले के प्रॉफिट से, पहले के प्रॉफिट से लॉस को सेटअप करो, फिर जितना बच जाएगा अगर कुछ बचता है तो उससे लॉस को रिकॉर्ड करना है, पूरा लॉस रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे पहले प्रॉफिट हुआ था 10, अभी लॉस हुआ 20, तो जब 10 रिकॉर्ड किया तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाया। अब जब 20 का लॉस हुआ तो उससे हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉस को पहले कम करेंगे प्रीवियस प्रॉफिट को यूज करके, तो 10 यूज करके लॉस को 10 से कम करके 10 कर लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर लॉस भी अगर 10 ही होता तो फिर हम लोगों का यहाँ पर पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करने से ही काम हो जाता, ये एक हो जाएगा। या दूसरा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड था फिर से डाउनवर्ड हुआ, तो दोनों बार पीएल में रिकॉर्ड करो, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ तो पीएल में जाएगा, फिर अपवर्ड हुआ तो उसके जब अपवर्ड होगा तो प्रॉफिट जो जितना भी बन रहा है उसको यूज करो पहले के लॉस को सेटअप करने के लिए, फिर बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व बोल के हम लोग को बुक करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग का ये पूरा का पूरा एएस 10 जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एएस है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एएस क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।